2.0 की अभिनेत्री भी फंसी मैटू के शिकंजे में। महिला रंगकर्मी ने फेसबुक पर खोल दी पॉल। बॉलीवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर विवाद के बाद देश में मीटू अभियान सुर्खियां बटोरे हुए है। इस अभियान के दौरान बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के बारे खुलकर बोली, तो वहीं कुछ सितारों ने इस अभियान का खुलकर समर्थन किया। ताज़ा मामले में रजनीकांत की फिल्म 2.0 की अभिनेत्री पर मैटू के तहत यौन शोषण के आरोप लगे हैं। चेन्नई की एक रंगकर्मी ने अभिनेत्री माया एसा कृष्णन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। चेन्नई में रहने वाली रंगकर्मी अनन्या रामप्रसाद ने फेसबुक एक पोस्ट लिखा है। पोस्ट में अनन्या का कहना है कि मैं यौन मानसिक भावनात्मक उत्पीड़न और बदसलूकी का शिकार रही हूं और वो भी माया ए कृष्णन के हाथों। मी टू अभियान के तहत यह दूसरा मामला सामने आया है जिसमें एक महिला पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। उधर माया कृष्णन ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को खारिज कर दिया है। बता दें माया एस कृष्णन बहुत जल्द ही अभिनेता रजनीकांत की आने वाली फिल्म 2.0 में नजर आएंगी। तमिलनाडु से इस तरह का यह पहला मामला दर्ज किया गया है। कृष्णन ने अपने फेसबुक पेज पर सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि वह अनन्या की मदद करने की कोशिश कर रही थी और अगर उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं तो वह कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए तैयार हैं। आगे कृष्णन ने लिखा है कि उसे बची समझना मेरी भूल थी, मैं अब कभी ऐसी भूल नहीं करूँगी। बता दें कि अभिनेता विक्रम की आने वाली फिल्म ध्रुव नटचत्तीरा में भी काम कर रही है। बता दें कुछ दिन पहले हास्य अदाकारा कनीज सुरका ने साथी हास्य अभिनेत्री अदिति मित्तल पर जबरन किस करने के आरोप लगाए थे।